हेलो स्टूडेंट्स, बेटा मैं एक एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला की बात करूंगा इन सेकंड डिग्री इक्वेशन। सो आपने ध्यान देना है जनरल इक्वेशन और सेकंड डिग्री इक्वेशन। तो सबसे पहले बेटा आपने कुछ रिजल्ट यहाँ रखने हैं, वो क्या है आपको मालूम है? हाइपरबोला की इक्वेशन क्या थी, इसको मैंने एच के साथ नोट कर दिया। यह हाइपरबोला की इक्वेशन है बेटा, याद है? किसकी इक्वेशन है बेटा? हाइपरबोला, इसको मैंने एच के साथ नोट कर लिया। और कंजुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। एक बात तो आपने ध्यान रखना है, हाइपरबोला की इक्वेशन ये क्या है, रिजल्ट बता रहा हूं बेटा, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। बेटा एक होती है ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स। ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स क्या होती है हाइपरबोला की? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्लियर है बेटा? ये हाइपरबोला की इक्वेशन है, ये कंजुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन है, ये जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स है ऑफ हाइपरबोला। देखो ऐसे बनता है बेटा, ये हाइपरबोला है, ये कंजुगेट हाइपरबोला है, ये जॉइंट इक्वेशन ऑफ क्या होती है बेटा? एसिम्प्टोट्स। तो बेटा यहाँ पे आप देखो h प्लस एच डैश करूं, दोनों को ऐड करूं तो क्या बनेगा? ट्वाइस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, क्या आ जाएगा? टू ए। ये आपने रिजल्ट ध्यान रखना। सेकंड, एक तो ये पॉइंट है, सेकंड हाइपरबोला एंड एसिम्प्टोट्स में या कंजुगेट हाइपरबोला एंड एसिम्प्टोट्स में जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स में किस चीज का फर्क है? डिफरेंस है कॉन्स्टेंट का। देखो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे तो डिफरेंस बिटवीन एसिम्प्टोट्स एंड हाइपरबोला किस चीज का डिफरेंस है? कांस्टेंट। तो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, एग्जाम में पूछ सकते हैं, ध्यान से करना। फाइंड एसिम्प्टोट्स ऑफ ए हाइपरबोला, ठीक है? ये दी गिवन इक्वेशन, सेकंड डिग्री की इक्वेशन। आल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ कंजुगेट हाइपरबोला। तो पहले एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स, मैंने क्या कहा था, इन दोनों में किस चीज का डिफरेंस है बेटा? कांस्टेंट का। तो क्या लिखेंगे? 3x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 2y स्क्वायर 5x 11y प्लस कांस्टेंट, मैंने ये लिख लिया बेटा। ओके, देखो ये बेटा हाइपरबोला है, ये किसकी इक्वेशन है बेटा? एसिम्प्टोट्स की। ये होता है x अपॉन a माइनस y अपॉन b इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन जी, ये जॉइंट इक्वेशन है। फिर एक बात तो इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस। जब कोई सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है, रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस कब होती है? जब कैपिटल थीटा इक्वल टू जीरो, मींस ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर माइनस ए एफ स्क्वायर इक्वल टू जीरो। आपको मालूम है, इसको कंपेयर कर लीजिए, ए एक्स के प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई के प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू 3, एच की वैल्यू माइनस 5/2, बी की वैल्यू माइनस 2, जी की वैल्यू 5/2, एफ की वैल्यू 11/2, सी की वैल्यू k। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए तो मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस 12। आपने यहाँ पे पुट करनी है k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा माइनस 12। तो मतलब इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स ये वाली, देखो मैंने कहा था ना ये हाइपरबोला दिया हुआ है, ये क्या है? एसिम्प्टोट। दोनों में किस चीज का डिफरेंस है? कांस्टेंट, मैंने कांस्टेंट लिखा तो मैंने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे पुट करो तो मतलब इक्वेशन क्या आ गई बेटा इसकी? 5xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11y माइनस 12। ये मेरे पास क्या आ गया बेटा? एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन आ गई, जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स। अब हमें क्या निकालना है? कंजुगेट हाइपरबोला। यहाँ पे आ जाओ, कंजुगेट हाइपरबोला किसके इक्वल है? 2a माइनस h। ये किसकी इक्वेशन थी बेटा? h हाइपरबोला की। ये किसकी इक्वेशन है? जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स। यहाँ पे पुट कीजिए 6x के माइनस 10xy माइनस 4y के 10x 22y माइनस 24 माइनस h 3x के प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 5x माइनस 11y प्लस 8। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनी? 3x स्क्वायर 5xy माइनस 2y स्क्वायर
ओके आ गए प्लस 5x प्लस 11y माइनस कितना आ गया बेटा 16 इक्वल टू 0। मेरे पास ये क्या आ गया बेटा इक्वेशन ऑफ कंजुगेट है। ओके बेटा ये थे बेटा एसिम्प्टोट्स एंड एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला। सो थैंक यू वेरी मच।